अपने जुगाड़ सीरीज में हम डायग्राम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझने की ट्राई कर रहे हैं, ये मेंस में आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला इसमें अगला जो पार्ट थ्री हमारा, इसमें सोशल डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। ये अंबेडकर जी के जो पार्लियामेंट में स्पीचेज हुई थी उसमें से एक स्पीच पर बेस्ड रही और लास्ट स्पीच थी ये। तो इसमें बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? वो बोलते हैं कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता है, LEF बोला जाता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। लिबर्टी इज़ आज़ादी, इक्वालिटी इज़ बराबर, एंड फ्रटर्निटी इज़ भाईचारा। तो अब देखो यहाँ पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है, वो तीन इक्वेशंस बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि लेट्स से ही राइट्स कि अगर लिबर्टी एंड इक्वालिटी होगा लेकिन उसमें से फ्रटर्निटी को अगर आप माइनस कर दो, माइनस फ्रटर्निटी, भाईचारा ना हो, सबको जो करना है वो करें, इक्वालिटी भी है एंड लेकिन फ्रटर्निटी गायब है, भाईचारा नहीं है, तो कहते क्या क्रिएट होगा? पुलिस स्टेट। आपको पुलिस की आवश्यकता होगी, यू विल बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ पुलिस कोअर्जन कि सभी आपस में मिल बांट के रहें, हारमनी मेंटेन रहे। कह रहे हैं कि फ्रटर्निटी के एब्सेंस से क्या होता है, सोशल वैल्यूज गायब हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते, पुलिस स्टेट क्रिएट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सॉलिड पॉइंट है। एंड देन वो कहते हैं अगर लेट्स से सबको आप बराबरी से ट्रीट करते हो, इक्वालिटी है और सब में भाईचारा भी है लेकिन कोई लिबर्टी नहीं है, आप अपनी आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते, तो कहते क्या निकलता है? नो इंडिविजुअल इनोवेशन। उसमें इनोवेशन एबसेंट हो जाती है अगर लिबर्टी ना हो। जैसे हम अपने देश में बहुत ऑफन विटनेस करते हैं, आजकल भी बहुत सारे बार लिखा जा रहा है कि हम विटनेस कर रहा है हमारा देश इनटॉलरेंस की। इनटॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा कुछ और करना चाहता है, कुछ नए तरह की किताब लिखना चाहता है, उस पर बैन लग जाता है क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं है और उसमें क्या है, लिबर्टी नहीं है उसको, किसी को कुछ भी काम करने के लिए। तो इंडिविजुअल इनोवेशन किल होती है उससे, कल्चर क्या होता है ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन का हो जाता है। एंड देन तीसरी क्वेश्चन लिखते हैं वो, अगर लिबर्टी है जो करना चाहो करो, फ्रटर्निटी है, भाईचारा भी, लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो उसमें कहते क्या हो जाएगा, एलीट रूल रहेगा कि एलीट ही लिबरल और अपने अपने आप में इकट्ठे मिलकर क्या डायनेस्टिक रूल और नेपोटिज्म सब कुछ बना लेंगे, कोई इक्वल नहीं हो पाएगा, एलीट रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा कंट्री में। इसीलिए बोलते हैं तीनों का इकट्ठे होना ही इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ एबसेंट होगी तो इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द कंट्री। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, जगह जगह कोट कर सकते हो इसको, हमारे सोशोलॉजी में तो 20 मार्कर सवाल पूछ चुके हैं इसको बना के। ओके, आगे कुछ और आपको मैं बेसिक मॉडल चाहता हूँ यहाँ पे देना, ये अपने क्विक से छोटे से वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में एक लिमिट है कि हम लंबे वीडियो नहीं बना पाएंगे, उस पर कुछ बैन लग गया अभी, तो इसीलिए मैं वीडियो थोड़े छोटे कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।